For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम निमिषा अज़र है और मैं मरहम कम्युनिटी की तरफ से आप सबको वेलकम करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कुरुतुल एंड डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो रिड्यूस नहीं होते हैं या कुछ ऐसे बल्जिंग पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं लेकिन वो एक्सरसाइज और डाइट से भी कम नहीं होते। इनके पास एक ऐसी फैसिलिटी मौजूद है जिसे क्रायोलिपोलिसिस का नाम दिया गया है, खासतौर पर ऐसे लोग जिनका ऐसे जो बल्जिंग पॉइंट्स हैं और वो कम नहीं हो रहे हैं, ये उनको कम करने में मदद करती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे होता है। क्रायोलाइपोलिसिस फैट रिडक्शन में लेटेस्ट नॉन सर्जिकल टेक्नोलॉजी है। इसको सबसे पहले अमेरिका में 2013 और 14 में इंट्रोड्यूस किया गया और FDA ने इसको इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दिया। अब तक सिर्फ अमेरिका में इसके 1.3 मिलियन कामयाब प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, टेक्निक मुकम्मल तौर पर नॉन सर्जिकल है। इसमें कोई बेहोशी, कोई कटिंग, कोई नीडल, कोई सिरिंज इस्तेमाल नहीं की जाती। डॉक्टर, किस तरह के लोग इस प्रोसीजर के लिए बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं? तमाम उम्र के वो ख्वातीन और हजरात जो अपने अपीयरेंस और अपने वेट के बारे में कॉन्शियस होते हैं और मुसलसल एक्सरसाइज और डाइट से अपने आप को अंडर कंट्रोल और फिट रखते हैं, मगर इसके बावजूद उनके जिस्म के कुछ हिस्सों पे फालतू चर्बी रह जाती है जिसे वो डाइटिंग के बावजूद रिमूव नहीं कर पाते, मसलन पेट, कमर या लव हैंडल्स और थाइस एंड और डबल चिन भी, इसकी फैट भी आप इससे कम कर सकते हैं। डॉक्टर, हमें इस प्रोसीजर के बारे में कोई कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में बताएं जो हमारे पेशेंट्स में या लोगों में होता है। ये प्रोसीजर लाइपोसक्शन से कतई मुख्तलिफ है। इसमें पेशेंट्स इसकी बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इसमें पेशेंट सिलेक्शन नहायत अहम है। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें सिर्फ वही लोग लिए जाएंगे जो अदरवाइज फिट हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, मगर कोशिश के बावजूद जिस्म के कुछ हिस्सों से वो अपनी फैट रिमूव नहीं कर पाते। ये प्रोसीजर लाइपोसक्शन से कतई मुख्तलिफ है और कतई तौर पर महफूज है, 100% महफूज है। हम कितनी सिटिंग्स के बाद हमें रिजल्ट्स नज़र आ सकते हैं, मतलब कितनी देर लगेगी इस प्रोसीजर के का दौरानिया कितना होगा? प्रोसीजर का दौरानिया 40 से 60 मिनट तक हो सकता है। बिल्कुल सही। और रिजल्ट आने में 12 से 14 हफ्ते लग सकते हैं। 12 से 14 हफ्ते के अख्ताम पर कमर में 3.53 सेंटीमीटर की कमी वाक़ हो सकती है जो कि पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन और ऑथेंटिकेटेड है। फैट सेल्स में अल्लाह ने यह खासियत रखी है कि एक दफ़ा अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए तो उसके बाद वो दोबारा से अपने आप को रिवाइव या रीजनरेट नहीं कर सकते। इसलिए इसका रिज़ल्ट जो है, क्रायोलाइपोलिसिस का रिज़ल्ट जो है, वो परमानेंट है। एक प्रोसीजर भी काफ़ी होता है। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक प्रोसीजर काफ़ी होगा, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो दूसरे या तीसरे सेटिंग के लिए भी आ सकते हैं। में कोई तकलीफ या कोई दर्द महसूस होती है? इसमें दर्द तो हरगिज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जब सक्शन कप्स थ्रू नेगेटिव प्रेशर जिस्म के कुछ हिस्से को अपने अंदर खींचेंगे तो एक दर्द तो नहीं मगर एक तनाव की और टगिंग कैफियत ज़रूर पैदा होगी, और ये टगिंग या तनाव की कैफियत जो है ये 10 दिन तक बाकी रह सकती है, मगर इसमें पेन कतई नहीं होता है। और पेशेंट अपना यह प्रोसीजर कराने के बाद स्ट्रेट अवे अपने घर, अपने ऑफिस या शॉपिंग के लिए जा सकता है। कोई हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस प्रोसीजर के बाद? ये प्रोसीजर बड़ी हद तक, बल्कि 99% मुकम्मल तौर पर महफूज है और इसके किसी किस्म के कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये मशीन है, इसके 4 सेक्शन हेड्स हैं, एक एब्डोमेन के लिए है, 2 साइड्स या लव हैंडल्स या थाइस के लिए हैं और ये डबल चिन के लिए है। ये सक्शन हेड्स जो हैं ये अपने अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके तो जिस्म के हिस्से के साथ चिपक जाते हैं और फैटी टिश्यू को अपने अंदर सक कर लेते हैं। फिर थ्रू कंट्रोल्ड कूलिंग फैट सेल्स को ठंडा किया जाता है या यख किया जाता है जिससे उनकी आहिस्ता आहिस्ता मौत वाक़ हो जाती है।